नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। याद होगा आपको जेसीबी की खुदाई का एक वीडियो बेहद वायरल हुआ था जिसके काफी व्यूज भी आए थे, लेकिन उस जेसीबी के वीडियो की लोकप्रियता अब खत्म कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में सीएम के बुलडोजर ने 2022 के विधानसभा चुनाव में खूब सुर्खियां बटोरी, वह एक बार फिर से यह वीडियो ट्रेंडिंग में आ गया है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अपराधियों में बाबा बुलडोजर का खौफ ऐसा चढ़ा है कि बुलडोजर देखते ही अपराधी खुद ब खुद सामने आ गया। दरअसल घटना होली के दूसरे दिन का है। एक महिला अपने पति के साथ ट्रेन का इंतजार प्रतापगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर कर रही थी। इसी बीच उसका पति खाने पीने का सामान लेने बाहर की तरफ गया और महिला शौचालय की तरफ गई। तभी शौचालय संचालक अन्ना ने उस महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला, जिसके बाद पति पत्नी काफी देर तक जीआरपीएफ थाने पर मुकदमा लिखवाने के लिए बैठे रहे। लेकिन जब वहां मुकदमा नहीं लिखा गया तो दंपति नगर कोतवाली पहुंचे, जहां काफी देर बाद नामजद मुकदमा शौचालय संचालक पर दर्ज कर लिया गया। इसके बाद कोतवाली पुलिस लगातार धरपकड़ के लिए दबिश देती रही, लेकिन अपराधी हद से नहीं चढ़ा था। एक बलात्कारी को पकड़ने में जब प्रतापगढ़ की पुलिस काफी परेशान हुई और उसे कोई रास्ता समझ न आया, तो वे प्रतापगढ़ की पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर बुलडोजर खड़ा करवा दिया। और जैसे ही बुलडोजर खड़ा हुआ, कुछ ही वक्त में आरोपी खुद ब खुद सामने आ गया। वाह रे बुलडोजर, तुमने तो कमाल कर डाला, ऐसा रूप अपनाया कि तुमको देखते ही अपराधी सामने आ जा रहे। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में योगी के बुलडोजर की जमकर तारीफ हो रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।